उमरिया जिले के नेशनल बांधवगढ़ ताला मेन गेट स्थित रामा कैंप में हाथी महोत्सव का शुभारंभ वन्य प्रेमी रुचि श्रीवास्तव ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव, क्षेत्र संचालक डॉक्टर बी एस अन्नीगेरी, उप संचालक लवित भारती, उप वन मंडल अधिकारी सुधीर मिश्रा, वन परिक्षेत्र अधिकारी विजय शंकर श्रीवास्तव सहित ग्रामीण जन तथा विभागीय कर्मचारी मौजूद रहे। इसके अलावा महोत्सव में शामिल 14 हाथियों के महावत भी उपस्थित रहे। सप्ताह भर के लिए आयोजित हाथी महोत्सव के लिए हाथियों को नहलाया जाकर अरंडी के तेल की मालिश कर सजाया गया। इस मौके पर महोत्सव में शामिल दर्जन भर से अधिक हाथियों को मेन्यू के आधार पर नारियल, गुड़, सेव, केला, गन्ना, नाशपाती आदि खिलाया जाएगा। माना जाता है कि हाथियों की स्मरण शक्ति 100 वर्षों तक यथावत रहती है। हाथी महोत्सव के दौरान करीब 32 पहाड़ियों से घिरे राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ के अलग अलग अंचलों से जब हाथी यहाँ पहुँचते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं तो मानसिक संवेदनाएं साफ झलकती है। हाथी महोत्सव में टीम भावना को विकसित करने एवं वन्य प्राणियों से प्रेम और उनके संरक्षण की दिशा में पार्क से जुड़े जिप्सी, यूनियन गाइड, एसोसिएशन, आसपास गांव के सरपंच, स्थानीय नागरिकों को भी आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर बच्चों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। आपका नाम क्या है? यादव जी, ये बताएं, आज बांधवगढ़ में लगातार दूसरा दिन है हाथी महोत्सव का, तो कुछ जानकारी देंगे? हाथी का यहाँ मेला लगा हुआ है, हाथी को खिलाया जाता है नेशनल पार्क बांधवगढ़ में, और गन्ने का रस पिलाया जाता है, केला खिलाया जाता है, नारियल वगैरह खिलाया जाता है। जनता आती है, उनको खाना पीना खिलाती है, पूरे जनता को खिलाया जाता है यहाँ पे। इस पीरियड में उनसे काम भी नहीं लिया जाता सर, तो इस समय क्या बोलेंगे? पूरा उत्साह के साथ हाथी शामिल होते हैं, हाथी पूरे इकट्ठा होते हैं यहाँ पे, पूरे जनता देखते हैं यहाँ पे आके, सब देख के इसके बाद 11:30 बजे बंद हो जाता है। कितने बजे खुलता है? ये 8:00 बजे खुल जाता है, 8:30 से 11:30 तक चालू रहता है। उमरिया से नीरज सिंह रघुवंशी की रिपोर्ट।